हेलो, मैं दीपा रावल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था महाजनपद काल, किस तरीके से उत्तर वैदिक काल के जो जनपद थे वो महाजनपद में परिवर्तित हुए थे। उसके परिवर्तन का जो मुख्य कारण था वो था राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तन। ठीक है, इसके बाद जो 16 महाजनपद हुए थे उनके बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा था। उसी समय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक और परिवर्तन हो रहा था, वो था धार्मिक परिवर्तन, जिसे हम धर्म सुधार के नाम से भी जान सकते हैं। क्योंकि उस समय में जो धर्म चला आ रहा था उत्तर वैदिक काल में, उसमें कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जैसे कि आडंबर, यज्ञ आडंबर और पशु बलि। ऊपर से दूसरा एक और मुख्य कारण था उसका, पुरोहितों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था, जो कि कहीं ना कहीं हमारे आर्थिक विकास को प्रभावित कर रहा था। उसी के साथ साथ सामाजिक विद्वेष बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो एक सामाजिक समस्या, धार्मिक समस्या, इस तरीके की कुछ कुछ चीज़ें उत्पन्न होने लगी थी। तो उसी के परिणाम स्वरूप एक कुछ जो लोगों ने विरोध किया था उसके कारण कुछ कुछ नवीन धर्म उत्पन्न हुए थे नए, जिसमें से लगभग अगर हम कहें तो वो 62 संप्रदाय थे जो उस समय उदित हुए थे। उनका काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था। जो संप्रदाय, लगभग 62 संप्रदाय थे जो उत्पन्न हुए थे उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, और स्थान था इनका मध्य गंगा की घाटी में। मध्य गंगा की घाटी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सामाजिक विद्वेष, धार्मिक आडंबर के परिणाम स्वरूप कुछ नवीन धर्म उत्पन्न हुए, लगभग वो संख्या में 62 थे। ठीक है, इसमें जो उत्तर वैदिक कुरीतियाँ थी उनके विरोध स्वरूप ये मुख्य रूप से उत्पन्न हुए थे। जो मुख्य मुख्य जो संप्रदाय थे उसमें एक थे बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध के द्वारा आया था, जैन धर्म महावीर स्वामी के द्वारा आया था, अक्रियवाद पूरण कश्यप के द्वारा, नियतिवाद मखली घोषाल के द्वारा, भौतिकवादी अजीत केश कम्बली, वहीं एक और था संदेहवादी था संजय वेल्थी पुत्र के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चंस अगर हम देखें तो ये जो अलग अलग संप्रदाय हैं, जैसे भौतिकवादी किसके द्वारा आया, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में। भौतिकवादी किसके द्वारा आया था संप्रदाय, अजित केश कम्बली के द्वारा। अक्रियावाद पूरण कश्यप के द्वारा। संदेहवाद संजय वेल्थी पुत्र के द्वारा। अगर इस तरीके जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो यहाँ से आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये इम्पॉर्टेंट है जो ज़्यादातर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो 62 संप्रदाय थे उसमें से जो उभर कर निकले थे वो सिर्फ ये दो थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इनको ही समाज की स्वीकृति प्रदान हुई थी सबसे ज़्यादा। उसके पीछे का मुख्य कारण ये था क्योंकि जो उस समय में समस्याएं उत्पन्न हुई थी जिसके विरोध स्वरूप ये सारे के सारे संप्रदाय निकल कर आए थे, उन समस्याओं का सबसे ज़्यादा सही समाधान अगर किसी चीज़ से प्राप्त होता है तो वो ये दो धर्म थे। ठीक है, इन दो धर्मों के द्वारा ये जो समस्याएं थी जो कि उत्तर वैदिक काल के द्वारा उत्पन्न हुई थी, उनका समाधान इन दो धर्मों के द्वारा किया जा रहा था। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वीकृति समाज के लोगों के द्वारा इन दो धर्मों को प्राप्त हुई। अब इस धर्म का उदय कैसे होता है, क्या क्या इसके मुख्य बिंदु हैं, किसके द्वारा उदित हुआ है, उसके संबंध में बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं जो कि हमारे विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन इस धर्म के प्रवर्तक थे, किसके द्वारा ये चीज़ें आई। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आप देखोगे विभिन्न एग्जामों में तो हमें इस जगह से निकलते हुए हमें मिलते हैं, अगर हम इनको अच्छे से अभी करेंगे, जिसके बाद ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। आज जो हम करेंगे, जैसे कि मुख्य धर्म में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, तो हम लोग सबसे पहले बौद्ध धर्म को करते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध, उनका नाम सिद्धार्थ भी था। ठीक है, जन्म तिथि, जन्म कब हुआ था इनका? 563 ईसी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान लुम्बिनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ज़्यादातर एग्जाम्स में ये देखा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी कपिलवस्तु। ठीक है, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, शाक्य गण के थे, शाक्य गण के थे, शुद्धोधन नाम था। इनकी माता का नाम था महामाया, कौलीय वंश की थी। इसके अलावा जब इनका जन्म हुआ था उसके 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया था, डेथ हो गई थी इनकी माता की महामाया की। उसके बाद इनका पालन पोषण
एक प्रजापति गौतमी नाम की इनकी मौसी थी, उनके द्वारा किया गया था। बाद में चलकर जो इनके पिता थे शुद्धोधन, उनके द्वारा इनका विवाह कर लिया गया था प्रजापति गौतमी से। तो जो प्रजापति गौतमी हैं, ज़्यादातर इनका भी क्वेश्चन हमें बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलता है कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसके द्वारा किया गया था। इसमें से गौतम बुद्ध का जन्म स्थान, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है, गौतम बुद्ध का माता कहाँ किस वंश की थी, इस तरीके से। इसी तरीके से अगर गौतम बुद्ध का वंश पूछा जाए तो शाक्य गण के थे। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। पालन पोषण किसके द्वारा किया गया है, प्रजापति गौतमी के द्वारा। गौतम बुद्ध, क्योंकि हम गौतम बुद्ध कौन थे, बौद्ध धर्म के प्रमुख प्रवर्तक थे, इनके द्वारा बुद्ध धर्म के प्रकाश में लाया गया था। इनकी पत्नी का नाम देखें तो यशोधरा है, पुत्र का नाम राहुल, पत्नी का नाम यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध सिद्धार्थ जो थे उनका विवाह कर दिया गया था यशोधरा के साथ, ठीक है। उनके एक पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम है राहुल। इसके अलावा इनके जो जब ये सन्यासी हुए, किस क्रम में गौतम बुद्ध बने, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने में जो सबसे पहले 4 महत्वपूर्ण दृश्य हैं जिससे सबसे ज़्यादा ये प्रभावित हुए और एक नए ज्ञान की तरफ ये बढ़े थे, उसमें 4 दृश्य इन्होंने देखे थे। वृद्ध व्यक्ति को देखा था, एक रोगी व्यक्ति को देखा था, शव देखा था और सन्यासी देखा था। ये 4 दृश्य इन्होंने देखे थे। इसमें से इन्होंने देखा वृद्ध व्यक्ति भी दुखी है, एक रोगी है वो भी दुखी है, शव जो है उसको साथ साथ जो और व्यक्ति थे वो दुखी है, लेकिन सबसे खुशहाल जो है वो सन्यासी है। उसके बाद वो संन्यास आश्रम की तरफ बढ़ गए थे। हमने देखा था उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि जो 4 आश्रम व्यवस्था थी, गृहस्थ आश्रम सॉरी वाल ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो अगर हम देखें तो 3 जो आश्रम थे शुरुआत के, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, उन तीनों का तब तक सुचारू रूप से चल रहे थे, लेकिन आगे आने वाले काल में जाकर हमने बताया था कि संन्यास आश्रम ज़्यादा अपना अस्तित्व में आता है। तो संन्यास आश्रम की शुरुआत यहाँ से अगर हम कहें तो गलत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से हमें देखने को मिलता है गौतम बुद्ध संन्यास आश्रम की तरफ ज़्यादा अग्रसर हुए थे। 29 वर्ष की आयु में ये पूछ लिया जाता है कि किस वर्ष की आयु में ये लोग संन्यास आश्रम की तरफ गृह त्याग इन्होंने किया था, तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था, जिसमें कि ये ज्ञान प्राप्ति के लिए आगे बढ़े थे। और इस जो गृह त्याग था इसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से हम लोग जानते हैं। जो गौतम बुद्ध का गृह त्याग था उसको हम महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। क्वेश्चंस में पूछा जाता है महाभिनिष्क्रमण किससे संबंधित है, तो हम बोल सकते हैं गृह त्याग से, किसके, गौतम बुद्ध के, ठीक है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित है महाभिनिष्क्रमण। जब ये गृह त्याग करके आगे गए तो इनके जो प्रथम गुरु थे वो आलार कलाम थे। प्रथम गुरु कौन थे, आलार कलाम थे। क्वेश्चन आता है यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, किस दर्शन से संबंधित थे आलार कलाम, तो सांख्य दर्शन से ये संबंधित थे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ सकता है कि किस स्थान के थे, तो वैशाली में, वैशाली, प्रथम गुरु आलार कलाम वैशाली में सांख्य दर्शन से संबंधित थे, वैशाली के थे। इसके बाद जब वो यहाँ संतुष्टि गौतम बुद्ध को नहीं मिलती है तो वो आगे की तरफ जाते हैं अपने ज्ञान की खोज में, और वो आगे जाकर ये बौद्ध गया पहुँचते हैं उरुवेला। वहाँ पर 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा, वैशाख की जो पूर्णिमा है वो बौद्ध धर्म के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जन्म, मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति तीनों ही वैशाख पूर्णिमा को हुई है, इसलिए वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक तिथि है। तो इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था बौद्ध गया में हुआ था, आयु क्या थी, 35 वर्ष, क्वेश्चन दोनों सॉल्व हो रहे हैं, कहाँ और किस आयु में, कितने वर्ष तक इन्होंने तपस्या करी थी, तो 6 वर्ष तक, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी हमारे यहाँ से सॉल्व हो रहा है। इसके अलावा किस तिथि को हुआ था, तो वैशाख की पूर्णिमा में। सबसे पहले जब ये वहाँ से ज्ञान प्राप्ति के बाद आगे बढ़े तो सबसे पहले ये सारनाथ आए, ठीक है। सारनाथ वर्तमान में यूपी में है, सारनाथ वर्तमान में हम बात करते हैं तो यूपी में आता है, उत्तर प्रदेश में। सारनाथ के में प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था आनंद को। आनंद इनका अगर पूछा जाता है कि प्रथम शिष्य कौन था, तो वो थे आनंद। इसके अलावा इन्होंने जब प्रथम उपदेश दिया था तो लगभग 5 शिष्य थे, ब्राह्मण शिष्य, जिनको इन्होंने उपदेश दिया था।
प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। प्रथम शिष्य इनके कौन थे? आनंद थे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? तो सारनाथ में जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था उसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद ये काशी गए, यहाँ से गौतम बुद्ध सारनाथ से काशी। काशी में इन्होंने अपना जो सबसे पहले जो शिष्य बनाया था, यश नामक एक व्यक्ति था, व्यापारी था पेशे से, उसको इन्होंने उपदेश दिया था। जो बौद्ध धर्म था उसको बहुत सारे राजाओं और बहुत सारे ज़्यादातर वैश्य वर्ग के द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ था। उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं, क्योंकि इस समय जो क्षत्रिय वर्ण था उसमें और जो ब्राह्मण वर्ण था, उन दोनों वर्णों में ये संघर्ष चल रहा था कि दोनों में सबसे शक्तिशाली कौन है, क्षत्रिय वर्ण ज़्यादा शक्तिशाली है या ब्राह्मण वर्ण ज़्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें क्या थी, ब्राह्मण वर्ण का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था कि यज्ञ कर्मकांड वही कराएंगे, ब्राह्मण के द्वारा ही राजा को पदवी के लिए बहुत सारे यज्ञ कराए जाएंगे। तो इस तरीके से जो ब्राह्मण वर्ग था वो अपना वर्चस्व बढ़ाता जा रहा था, तो ब्राह्मण और राजाओं के बीच में संघर्ष चल रहा था। दूसरा, इस वजह से राजाओं के द्वारा इस नए जो धर्म उदित हो रहा था उसको बहुत ज़्यादा समर्थन प्राप्त होता है। आप आगे वाले काल में देखेंगे कि बहुत सारे राजा आगे चलकर बौद्ध धर्म और जो एक और धर्म निकल कर आ रहा था जैन धर्म, उन दोनों के अनुयायी हमें बनते हुए दिखते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे राजाओं के द्वारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो संघ थे, संगठन थे, उनके जो मंदिर हैं, उसके जो स्थापत्य हैं, उनको दान दिया गया था। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ये बौद्ध धर्म की स्वीकृति को दर्शाता है कि इनके द्वारा आर्थिक रूप से सहायता के द्वारा या किसी भी तरीके से जो सहायता इनको मिल रही थी उसके द्वारा इनको समर्थन प्राप्त हो रहा था। ये रही हमारी क्षत्रिय वर्ण की बात। अगर हम वैश्य वर्ग की बात करते हैं तो वैश्य वर्ग के द्वारा भी बौद्ध धर्म को समर्थन दिया जा रहा था। उसका मुख्य कारण क्या था? क्षत्रिय वर्ग समाज की सेवा करेगा, दूसरा पुरोहित वर्ग जो कि मंत्रोच्चारण यज्ञ कर्मकांड करेगा, शूद्र वर्ग आपका सेवक करेगा। वैश्य जो था, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी, कृषि अधिशेष हमारा बढ़ रहा था, कृषि उत्पादन कर रहे थे, शिल्प उद्योग व्यापार ये सारी चीज़ें बढ़ रही थी, तो जो वैश्य वर्ग था वो ज़्यादातर आर्थिक क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ था। अब हर एक स्थिति में जो कर जो पे करना होता था, कर जो देना होता था, उसका सबसे ज़्यादा बोझ अगर किसी पे पड़ रहा था तो वो था वैश्य वर्ग। वैश्य वर्ग के ऊपर सबसे ज़्यादा बोझ पड़ रहा था, सबसे ज़्यादा जो कर था वो वही देता था, लेकिन उसके अनुसार उसको सामाजिक जो स्थिति थी वो नहीं मिल पा रही थी। तो इसलिए बौद्ध धर्म के द्वारा यज्ञ कराओगे तो पुरोहित को दान देना पड़ेगा, लेकिन टैक्स अगर वो देंगे तो उसके हिसाब से उसको नहीं चीज़ें मिल रही थी, अपना सम्मान की स्थिति उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी पुरोहित और क्षत्रिय वर्ग की थी। तो इस कारण से भी जो वैश्य वर्ग था उसके द्वारा भी इसको समर्थन मिला गया था, बौद्ध एवं जैन धर्म को। आप देखेंगे आने वाले काल में बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो कि व्यापारियों के द्वारा या वैश्य वर्ग के द्वारा बनाए हुए मिलते हैं, बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित। वो कहीं ना कहीं ये हमें ये दर्शाता है कि वैश्य वर्ग के द्वारा इस धर्म को समर्थन दिया गया था। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली था वो था मगध। मगध में बहुत सारे वंश आएंगे जो कि हम जब धर्म वाला चैप्टर कर लेंगे उसके बाद हम करेंगे। यहाँ हम उनका रेफरेंस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, इसलिए हम उस राजा या उस जो आगे आने वाले वंश हैं उनका रेफरेंस यहाँ ले रहे हैं, बाकी हम उस चैप्टर को अलग से पूरा करेंगे। तो ये जो राजा थे मगध के, जिन राजगृह के बिंबिसार जिनका नाम था, उनके द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया था। इसके साथ साथ इनके द्वारा एक दान भी दिया गया था, तो वो थे वेणु वन दान इनके द्वारा दिया गया था। इसके अलावा अगर हम राजकीय संरक्षण की बात करें तो बिंबिसार के द्वारा दिया गया था, अजात शत्रु के द्वारा दिया गया था, उद्विन के द्वारा दिया गया था, प्रसन्नजीत के द्वारा दिया गया था। इस प्रकार के बहुत से महत्वपूर्ण राजा हैं जिनके द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया था। क्वेश्चंस में ये पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा बौद्ध धर्म से संबंधित था या कौन सा राजा जैन धर्म से संबंधित था। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो राजा थे वो मुख्य रूप से ये हैं, बिंबिसार, अजात शत्रु, उद्विन और प्रसन्नजीत, ठीक है। इनके द्वारा वेणु वन दान में दिया गया था। इसके अलावा एक और चीज़ है यहाँ पे ध्यान देने योग्य कि प्रथम महिला जिसने संघ में प्रवेश किया था वो कौन थी।
तो वो थी इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी, जिनके द्वारा गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया गया था। प्रथम जो महिला थी जिन्होंने संघ में प्रवेश लिया था गौतमी, किसकी समर्थन में, तो इनके समर्थन में आए थे आनंद। आनंद ने रिक्वेस्ट करी थी कि आप इनको संघ में प्रवेश दें, तब इनको संघ में प्रवेश दिया था। और कहाँ दिया था? वैशाली में। ठीक है, तो तीनों ही क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। सबसे पहले कौन था? प्रजापति गौतमी प्रथम महिला, आनंद की समर्थन में, आनंद इनके समर्थन में उतरे थे और वैशाली स्थान पर। इसके अलावा वैशाली से निम्नलिखित एक और चीज़ निकल कर आती है कि वैशाली के द्वारा इनके निवास स्थान के लिए कुटाग्रशाला, वैशाली राज्य ने कुटाग्रशाला बौद्ध धर्म को दान में दी थी। इसके साथ साथ वैशाली की एक गणिका है बहुत फेमस, आम्रपाली, आम्रपाली वो भी गौतम बुद्ध की अनुयायी थी। इसके अलावा एक और दो राजा हैं, एक रानी है मल्लिका और दूसरी है शेमा, ये दोनों बौद्ध धर्म की अनुयायी रही हैं। इसके अलावा एक डाकू है अंगुलीमान, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे हैं गौतम बुद्ध के। एक और क्वेश्चन निकल कर आता है, वो है सर्वाधिक उपदेश कहाँ से, कहाँ पर दिए हैं गौतम बुद्ध के द्वारा? कौशल में, श्रावस्ती जिसकी राजधानी है, कौशल राज्य में दिए गए हैं। आठवां वर्षाकाल गौतम बुद्ध के द्वारा कहाँ बसाया, वो किया गया था? तो सुसुमार गिरी में यहाँ इन्होंने व्यतीत करा था। नवा वर्षाकाल कौशाम्बी में इन्होंने व्यतीत करा था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन निकल कर आता है गौतम बुद्ध से संबंधित, वो है अंतिम उपदेश गौतम बुद्ध के द्वारा किसको दिया गया था? तो वो थे सुबद्ध। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आप विभिन्न एग्जामों में गौतम बुद्ध के से संबंधित जो चैप्टर है वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनारा के मल्ल, कुशीनारा का जो मल गणराज्य था वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है उसको हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। अगर आता है महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध के किस जीवन के किस पक्ष से संबंधित है, तो मृत्यु से, और महानिभिष्क्रमण ये अगर आता है तो ये है इनके गृह त्याग से। दोनों में कन्फ्यूज़न ना हो, महानिर्वाण, निर्वाण मतलब मृत्यु के से संबंधित है, तो निर्वाण आता है इनकी मृत्यु से, महानिभिष्क्रमण आता है इनके गृह त्याग से। इसके अलावा आप देखेंगे जो जातक कथाएं, एक शब्द आता है इससे संबंधित, गौतम बुद्ध से संबंधित या बौद्ध धर्म से संबंधित, आप देख सकते हैं जातक कथा। जातक कथा वास्तव में क्या थी? जातक कथा गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कथाएं थी। ठीक है, गौतम बुद्ध के जो पूर्व जन्म से संबंधित कथाएं थी उसमें इनके कुछ कुछ प्रतीकों का वर्णन दिया गया है, उनको क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। तो वो है जन, जन का प्रतीक क्या था? कमल एवं सांड। ठीक है, गृह त्याग क्या क्या था? घोड़ा, क्योंकि घोड़े पर बैठकर इन्होंने गृह त्याग किया था। ज्ञान का क्या था? पीपल, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और निर्वाण का है पदचिन्ह। ठीक है, जन का कमल एवं सांड, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति का पीपल, और लास्ट आता है आपका निर्वाण पदचिन्ह। अगर आप आगे आने वाले काल में देखेंगे तो जैसे अजंता वगैरह की जो गुफाएं, अजंता बाग की, तो वहाँ पर जातक कथाओं से संबंधित बहुत सारे चित्र हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो इनके पूर्व जन्म से संबंधित जो कथाओं में जो वर्णित मिले हैं ना चिन्ह, वो हमें वहाँ अलंकारिक रूप से देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे अजंता की कला, जो चित्रकारी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो अलंकारिकता आलेखन मिला है, वह हमें बहुत तायत मात्रा में अगर हम कहें तो कमल का फूल मिलता है, पीपल मिलता है, घोड़ा, इस तरीके के बहुत सारे चिन्ह जो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं वो हमें अजंता में देखने को मिलते हैं। जब हम कभी आर्ट एंड कल्चर करेंगे तो वहाँ इस चीज़ को कवर कर देंगे। इसके अलावा जब इन्होंने अपना बौद्ध धर्म के उपदेश देने शुरू करे तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई, वो हैं चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य हैं क्या? दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध मार्ग है। ठीक है, ये चार आर्य सत्य हैं, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध का मार्ग, ये गौतम बुद्ध के द्वारा चार आर सत्य दिए गए थे। इसके अलावा जो एक और दिया गया है उपदेश में, वो है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? तो बुद्ध धर्म से संबंधित है। आठ मार्ग बताए गए हैं, क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प,
सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इस प्रकार से ये आठ है, चार आर्य सत्य हैं, आठ अष्टांगिक मार्ग हैं। इसके अलावा तीन रत्न और हैं, बुद्ध धर्म से संबंधित, बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धर्म और संघ, गौतम बुद्ध के जो संबंधित जो बुद्ध धर्म से तीन रत्न है, बुद्ध धर्म और संघ। इस तरीके से ये जब उपदेश देने के क्रम में जो नई नई चीज़ें इन्होंने निकाल कर दी, उस तरीके से ये हैं। और जो बाकी का इससे संबंधित जो अध्ययन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू।